नमस्कार, मैं हूं निहारिका महेश्वरी। राजनीतिक दलों को मिले चंदे की पारदर्शिता को लेकर सवाल नए नहीं है। चुनावी मौसम में काले धन को सफेद करने के लेकर पैसे के खेल की नई कहानियां देखने सुनने को मिलती हैं। मगर इस पूरे खेल में पैसा आता कहां से है, कहां जाता है, कहां तक जाता है, इसे लेकर उठने वाले सवालों के जवाब आसानी से नहीं मिलेंगे। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक नई रिपोर्ट आई है, जिसमें भारतीय राजनीतिक दलों के कैश फ्रेम की तस्वीर पेश हुई है। इसके बाद सवाल उठने लग गए कि क्या कैश के जरिए चंदा लेने के पीछे काले धन को सफेद करने का कोई खेल तो नहीं है। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के हिसाब में गोलमाल कोई नई बात नहीं है। चुनाव आयोग और राजनीतिक दल तू डाल डाल मैं बात बात वाली कहावत की तर्ज पर चलते रहते हैं। ऐसे दौर में जब भी राजनीतिक दलों के चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की कोशिश हुई है, हर बार सियासी विरोध ने ऐसी कोशिशों को नाकाम कर दिया है। ये और बात है कि चंदे को लेकर उठने वाले सवाल अक्सर सामने आते रहते हैं। ताजा सवाल उठा है ADR की एक रिपोर्ट के बाद, जो ये बताती है कि भारतीय नेताओं का कैश प्रेम पिछले कुछ सालों में ज्यादा ही बढ़ गया है। ADR ने 2004 से 2015 के बीच हुए चुनावों में राजनीतिक दलों को मिले चंदे की पड़ताल की है और पाया है कि सियासी दलों को इस दौर में कुल 2100 करोड़ का चंदा मिला, जिसमें 63% हिस्सा बतौर कैश में आया। 2004, 2009 और 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में चेक के जरिए सबसे ज्यादा चंदा 1300 करोड़ का जुटाया गया, जबकि 1039 करोड़ रुपए कैश में मिले। 2014 और 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में चेक के जरिए 1244 करोड़ रुपए जुटाए। हालांकि इसमें दिलचस्प ये रहा कि फंड को खर्च करने का तरीका उल्टा रहा। लोकसभा चुनाव में 83% रकम चेक के जरिए खर्च हुई, जबकि विधानसभा चुनाव में 65% रकम चेक के जरिए खर्च हुई। असल में चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक कोई पार्टी कैश के जरिए 20,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकती। अब सवाल उठता है कि कैश के जरिए रकम लेने की दिलचस्पी इतनी क्यों जगी है, जब ज्यादा खर्च कैश नहीं हो सकता। इसे समझने के लिए आपको ADR के अप्रैल महीने में आए कुछ आंकड़ों पर गौर करना होगा। ADR ने राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले 6 चुनावी ट्रस्टों पर सवाल खड़े करते हुए कहा था ये सभी CBDT के 2013 में बनाए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। चुनावी ट्रस्ट कंपनियों के जरिए मिलने वाले चंदे को राजनीतिक दलों को देते हैं। ADR के मुताबिक ट्रस्ट 2013 के पहले रजिस्टर हैं, लिहाजा 2013 में बने नियमों को नहीं मानते। इनके जरिए भी बड़े पैमाने पर पैसे का फ्लो होता है। ये चुनावी ट्रस्ट सिर्फ चंदा देते हैं, ना तो कंपनी का नाम बताते हैं, ना ही शेयरधारकों का नाम बताते हैं। जबकि CBDT के नियम में चंदे का सोर्स और चंदा देने वाले का नाम दोनों ही स्पष्ट तौर पर बताने का प्रावधान है। अब जरा कैश के जरिए चंदा लेने में दिलचस्पी रखने वाले दलों का नाम भी जान लेते हैं। तो इस फेहरिस्त में सबसे ज्यादा चंदा समाजवादी पार्टी को कैश में मिला। यह रकम 186.8 करोड़ की है, जिसमें 95.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। कैश चंदा जुटाने में दूसरे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी, जिसे 38.54 करोड़ रुपए का कैश मिला, जिसमें 22.66 करोड़ रुपए खर्च हुए। तीसरे नंबर पर जयललिता की पार्टी AIADMK रही, जिसने 37.66 करोड़ रुपए जुटाए। असल में इलेक्शन का असली खेल ही कलेक्शन का होता है। याद करिए, कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी को चंदा देने वाली फर्जी कंपनियों की बात सामने आई थी। राष्ट्रीय पार्टियों ने चंदे में पारदर्शिता के सवाल को कई बार गोलमोल कर डाल दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ADR का ताजा खुलासा क्या इस बात का संकेत नहीं दे रहा कि चुनावी चंदे के नाम पर सियासी दलों का कैश प्रेम पारदर्शी चंदे के सिस्टम को तोड़ने जैसा है। जहां किसी भी कॉमन नाम से पैसा कौन दे रहा है, इसे न तो जांचा जाता है, न जांचने की जरूरत समझी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। राजनीति में पैसे को किस तरीके से खपाया जाता है, किस तरह जवाबदेही से बचते हुए पैसा कमाया जाता है, इसका बड़ा उदाहरण बनते दिख रहे हैं प्रशांत किशोर। इन्हें आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। दरअसल इलेक्शंस 2014 लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने एसोसिएशन ऑफ सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस का जिम्मा संभाल रखा था। इसका गठन 2013 में हुआ था। प्रशांत किशोर इंडियन पॉलिटिकल कमेटी बना चुके हैं। पुरानी संस्था को लेकर आयकर विभाग ने प्रशांत किशोर से 4 सालों की कमाई और स्रोत की जानकारी देने को कहा है। सैकड़ों की टीम रखने वाले, मोटी सैलरी देने वाले प्रशांत किशोर की पुरानी संस्था को लेकर आयकर विभाग द्वारा दिए गए प्रमाणों से संतुष्ट नहीं है।
इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर सीपी पांडे जुड़ गए हैं। सीपी पांडे साहब, स्वागत है आपका इस विशेष पेशकश में। मेरे को ये बताइए, काला और सफेद दन का खेल कब तक राजनीति में चलेगा, और ये जो खेल है और व्यापक होता चला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि नेताओं का कैश फ्रेम के प्रति जो लगाव है वो और इंटेंसिफाई हो गया है। नहीं, बिल्कुल सही, ठीक बात है ये। तो मैं तो एक व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास कई लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि आपकी जो नैतिक पार्टी है उसको मैं कुछ चंदा देना चाहता हूँ, और उस चंदे को तो मैंने कहा बहुत स्वागत है और मैं उसके लिए जो भी सर्टिफिकेट होगा आपको मैं दे दूँगा, क्योंकि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में चंदा लेने की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अनुसार अगर वो आप उनको रिसीट देते हैं और डिक्लेरेशन देता है तो उनको आप चंदा ले सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव की बात बता रहा हूँ। वो लोग कई बार हमको मिले, लेकिन कई बार मिलने के बाद ये बात मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो हमसे चाहते क्या हैं। अंत में बात दो तीन बार सीटिंग के बाद ये हमें मालूम हुआ कि वो हमको चंदा नहीं देना चाहते हैं, बल्कि अपना वाइट मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और मैं उसमें से कुछ पैसे उनका शेयर काट के और मैं उनको वाइट ब्लैक मनी को वाइट करके उनको लौटा दूँ। तब ये बात हम लोग जानते थे पहले से, लेकिन ये सीधे प्रत्यक्ष रूप से जब ये नैतिक पार्टी के सामने आया तो हमने तो खैर मना कर दिया। लेकिन ये बात पे सवाल उठ गए कि इसका ये मतलब साफ हो गया कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके पास कोई चंदा आ रहा है तो वो चंदा वास्तव में है नहीं, वो चंदे के नाम पर एक तरह से ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए वो लोग पैसा देते हैं, और उसके अनुरूप वो अपना चाहते हैं कि कैसे अधिक से अधिक शेयर मेरा उनको 80% वो लेते हैं और 20% पार्टियों को देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे देते हैं, कुछ एक ग्रुप्स हैं बहुत, जैसे टाटा ग्रुप है, एक आध ग्रुप और हैं जो कि फेयरली अपने इनकम टैक्स को शो करके चेक से उन लोगों को पेमेंट करते हैं, और वो चंदा के रूप पोलिटिकल पार्टी जो सियासत करना चाहती है, जो सीरियसली गंभीरता से सियासत कर रही हैं उनको वो पैसे देते हैं, और उसके लिए पूरी उनको हिसाब किताब अकाउंटेबिलिटी रखते हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ी बात आ रही है कि ये चुनाव में ब्लैक मनी का जो इस्तेमाल का प्रचलन बढ़ गया है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही घातक है, और डे बाय डे दिन प्रतिदिन देखते जाइए कि चुनाव में खर्च बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो एक तरह से मूक दर्शक बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन को इससे मतलब नहीं है कि चुनाव में इससे ऐसा सुधार किया जाए कि जैसे पैसे न खर्च हों, बल्कि इलेक्शन कमीशन तो ये खाली देखने में रहता है कि जितने अधिक से अधिक पैसे हो खर्च हों लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी उनका बनी रहे। तो अकाउंटेबिलिटी बनने के लिए दिखाने के लिए कागज पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं इलेक्शन कमीशन की तरह से पूरा फेल हो गया है, पैसा बढ़ता जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी के नाम पर कागजी कार्रवाई होती जा रही है। तो जितना पैसा चुनाव में इन्वेस्ट होगा, ज़्यादा पैसा लगेगा, तो एक तरह से लोकतंत्र का भी सफाया एक तरह से हो रहा है। सही प्रतिनिधि नहीं चुने जाएंगे, जो पैसे वाले आएंगे, जो गुंडे आएंगे, जो माफिया आएंगे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन में लगे हुए हैं, कंपनियों के सपोर्टेड लोग आएंगे, वही लोग चुनाव में भागीदारी करते हैं। तो इस तरह से ये अगर भारत के लोकतंत्र में पैसे की राजनीति अगर शुरू हो जिस तरह से हो गई है, तो उसको आप कैसे ये आशा कर देते हैं कि इस देश में एक फेयर चुनाव और ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें कि लोकतंत्र को मजबूत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लेकिन सीपी पांडे साहब, हम हर साल तो देखते हैं कहीं ना कहीं कैश जब्त होता है, लेकिन ये हर साल की कार्रवाई है, और ये कार्रवाई होती है, चीजें बंद होने का नाम नहीं लेती। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके कहने के अनुसार अब यही लग रहा है कि पैसा नहीं, काला धन नहीं तो इलेक्शन ही नहीं हो पाएंगे, ठप हो जाएगा सब, क्योंकि स्रोत ही इलेक्शन का काला धन है। सबका पैसा लगाया, चाहे वो बिल्डर हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, बाहरी जना हो, कोई बहुत बड़ा लॉबिस्ट हो, हर किसी का पैसा इसमें लगा हुआ है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। भारत के चुनाव प्रक्रिया में मैं समझता हूं कि हम बहुत गर्व से कहते हैं कि भारत का सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, तो ये किस बात का हम गर्व करते हैं? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र केवल चुनाव संपादित हो गया, इससे लोकतंत्र तो नहीं स्थापित हो गया। चुनाव तो एक मैकेनिज्म है जिसको कि आप देखिए, महीनों महीनों एक पार्लियामेंट का चुनाव होगा, डेढ़ महीने पार्लियामेंट का चुनाव होगा, असेंबली का चुनाव होगा, दो महीने चुनाव होगा, इस बीच सारे लोग अपना काम धाम, सरकारी कर्मचारी और सारे दफ्तर एक तरह से इंतजार करते रहते हैं चुनाव के तक, कोई काम नहीं होता है और लोग सारे कार्रवाई ठप होती है, और इसमें इतने लंबे समय पे जब चुनाव होंगे तो आप निश्चित रूप मान के चलिए कि उसके इन्वेस्टमेंट दुगने नहीं, कई गुने बढ़ जाते हैं। तो
तो ये और इसमें सरकारी फोर्सेस, सरकारी अधिकारी, सरकारी अधिकारियों का TA DA ये सब, ये सारे चीज़ें जो इन्वॉल्व हो रही हैं, तो एक तो गवर्नमेंट का भी मनी बहुत इन्वॉल्व हो रहा है और इतने लंबे समय तक चुनाव होने से प्राइवेट लोग जो चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं, चाहे उनके प्रचारक चाहिए, तो इस तरह से इनके काफी पैसे हो, और वो पॉलिटिकल पार्टी से अब हम ज्यादा बचे जो पारदर्शी होने का दावा करती है कि भाई हम ट्रांसपेरेंट पार्टी है, सब कुछ सामने, सब कुछ पब्लिक है, सब कुछ ऑनलाइन है। कोई पार्टी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये सब कागजों का खेल है। ऑनलाइन कर देने से क्या ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी? आप ये समझते हैं कि ऑनलाइन क्या, कोई ऑनलाइन एक ऐसी चीज़ है कि ऑनलाइन में कोई चीज़ आ गई तो क्या जो पर्दे के पीछे घटित हुआ वो बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा क्या? ऑनलाइन में वो पर्दे के पीछे जो तीन तिकड़म होते हैं उसको एक कैलकुलेशन में ऑडिटर से चाहे अकाउंटेंट से मिल के जुल के आप उसको अच्छे ढंग से उसको पेश कर देते हैं, यही तो ऑनलाइन है और क्या। तो उसके पीछे का खेल तो सभी लोग जानते हैं। इस पर ठीक है, आखिरी कमेंट आपसे, अब नकेल तो कैसे कसे? आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन फेल हो गया, कोई ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है नहीं, कोई भी इनडायरेक्ट गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, तो ये कैश पे रुकेगा कैसे, क्योंकि पब्लिक का ही नुकसान है इसमें। देखिए ये जो 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 सबसे पहले एक बात लोग बहुत मांग कर रहे हैं कि ITI में पॉलिटिकल पार्टी को डाल दिया जाए, इससे खत्म हो जाएगा, इससे खत्म नहीं होने वाला। अच्छा। ITI में पॉलिटिकल पार्टी जो आज जैसे आपने कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट, वो हिसाब किताब ऑनलाइन कर देंगे, इससे कुछ नहीं बोला है उन्होंने। मुख्य बात यह है कि इसमें स्टेट का सरकार, इलेक्शन कमीशन बहुत से सारे सरकारी वो जो खर्चे हैं इलेक्शन के, वो कुछ की जिम्मेदारी बोले, नंबर एक, जैसे चुनाव प्रचार, एक जगह से प्रचार करावे, पॉम्फलेट में नाम दे दे, TV चैनल से कुछ जिम्मेदारी वो ले ले, ताकि इन लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी को इस चीज़ों में ज़्यादा खर्चा न करना पड़े जी। दूसरी बात है कि इलेक्शन पूरे देश में एक दिन में होना चाहिए और इसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी रिकमेंड किया है कि असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव एक साथ होना चाहिए, और ये नहीं कि डेढ़ महीना दो दो महीना आप चुनाव कराइए, ऐसा कोशिश करिए कि दो दिन या तीन दिन में ये पूरे देश का एक चुनाव साथ हो जाए। तो मैं समझता हूँ असेंबली पार्लियामेंट के इलेक्शन एक साथ हों और एक हफ्ते के अंदर सारे देश में अगर चुनाव हो जाए, इसकी व्यवस्था कर ली जाए, पता नहीं बहुत सारे पैसे कितना प्रैक्टिकल है, लेकिन ये निजी उपाय आपने बताए। धन्यवाद आपका हमारे साथ, हमारे चैनल पर इस विशेष टॉपिक पर बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस